वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग आर्टिकल के क्लास नंबर 3 को कवर करेंगे। अगर आपने आर्टिकल की पहली और दूसरी क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके UPPCS टॉपिक वाइज इंग्लिश नाम से लिस्ट मिलेगा, उसे ओपन करके क्लास नंबर 1 और 2 देख लीजिएगा। क्लास 1 और 2 में आर्टिकल के जितने भी रूल्स हैं मैंने डिस्कस किया है। आज हम लोग क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन जो कि किसी न किसी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए हैं या आने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको एक से बढ़कर एक धमाकेदार क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, ठीक। और इसके अतिरिक्त अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे पैड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये टीम का नंबर दिया गया, आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पर @studyforcivilservices के माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे देखिए एक स्लाइड पे आपको 5 क्वेश्चन दिख रहा है। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, 5ों क्वेश्चन के आंसर आपको निकालना है। इसके बाद फिर एक एक करके आपको क्वेश्चन के आंसर मैच करना है कि जो आपने निकाला था वो सही था या फिर उसमें किसी प्रकार की त्रुटि थी, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। देखिए उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज करके इसके आंसर कैलकुलेट कर लिया होगा, निकाल लिया होगा कि क्या बना होगा, कौन सा है, किस पार्ट में मिस्टेक है। देखिए पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हेन आई मेट हिम द कपल ऑफ डेज बैक ही वाज राइटिंग अ स्टोरी। देखिए इस सेंटेंस में क्या गलती, व्हेन आई मेट हिम ये बिल्कुल सही है, जब मैं उससे मिला, द कपल ऑफ डेज। देखिए जब कभी कपल ऑफ डेज की बात होती है ना तो वहाँ पर द का यूज नहीं होता है, तो इसमें आप लिखेंगे व्हेन आई मेट हिम अ कपल ऑफ डेज बैक, ही वॉज कपल ऑफ डेज बैक ही वॉज राइटिंग अ न्यू स्टोरी। तो यहाँ पे द नहीं रहेगा, इसके मतलब इस पार्ट में मिस्टेक है, यहाँ पे द की जगह क्या होगा, द को आपको रिप्लेस करना है अ से, जैसे रिप्लेस करेंगे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ही इज बेस्ट टीचर इन इंडिया, ठीक है, वह भारत का सबसे अच्छा टीचर है। अब देखिए आपने पढ़ा होगा जब कभी भी सुपरलेटिव डिग्री लिखी जाती है, सुपरलेटिव डिग्री है ना, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे ही इज द बेस्ट टीचर होगा, तो इस पार्ट में मिस्टेक है, यहाँ पे इसका सही स्वरूप हो जाएगा ही इज द बेस्ट टीचर इन इंडिया, इसका सही स्वरूप ये रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवरी मॉर्निंग द सन राइजेस इन ईस्ट, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है। देखिए तीसरे की अगर बात करेंगे तो आपने नियम में क्या सीखा है कि जब कभी भी हम डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन की बात किया जाता है तो डायरेक्शन के साथ हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे इसका सही स्वरूप हो जाएगा एवरी मॉर्निंग द सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना, डायरेक्शन के साथ हमेशा द लगता है, तो इसके इस पार्ट में मिस्टेक है, यहाँ पे आप लिखेंगे एवरी मॉर्निंग द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये इसका बिल्कुल सही स्वरूप है। नेक्स्ट है, द कश्मीर इज नोन एज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, है ना, इस क्वेश्चन में किस प्रकार की त्रुटि है, देखिए इसकी बात करेंगे। देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा जब कभी भी दो प्रॉपर नाउन की तुलना की जाती है ना, तो जो सेकंड प्रॉपर नाउन होता है, सेकंड प्रॉपर नाउन, जब कभी भी दो प्रॉपर नाउन की तुलना की जाएगी तो सेकंड प्रॉपर नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज किया जाता है, ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कश्मीर इज नोन एज द स्विट्जरलैंड, ये इस पार्ट में मिस्टेक है, यहाँ पे सिर्फ स्विट्जरलैंड नहीं रहेगा, आप लिखेंगे द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, ठीक। जैसे आपने इसमें इस तरीके के एग्जाम्पल भी देखा होगा, कालिदास इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, है ना, देखिए कालिदास इज नोन एज, है ना, अब इसके बाद आपने क्या लिखा, द शेक्सपियर। जैसे आपने देखा होगा समुद्रगुप्त इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, ये चीज है, ठीक। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 5, राजू इज अ ऑनेस्ट बॉय। देखिए यहाँ पे ऑनेस्ट एच है ना, भले ही ये एच से स्टार्ट हो रहा है लेकिन जो इसका साउंड आएगा ये ऑ का आएगा, मतलब ये वॉवेल साउंड दे रहा है, तो जब कभी भी वॉवेल साउंड आता है तो वहाँ पे वॉवेल साउंड के साथ ना कभी भी हम ए का यूज़ नहीं करते, एन का यूज़ करते हैं, तो इस ये गलत है, इसका सही स्वरूप हो जाएगा राजू इज एन ऑनेस्ट बॉय, है ना, ये इसका सही स्वरूप होगा। देखिए आपने आर्टिकल में, आर्टिकल के क्लास नंबर 1 में सीखा होगा कि ए और एन के यूज़ की बात जब हम लोग करते हैं, जहां भी या तो आपको वॉवेल दिखेगा या वॉवेल साउंड दिखेगा वहां पर एन का यूज करेंगे, लेकिन अगर कभी वॉवेल साउंड दिख रहा है, भले ही वॉवेल है लेकिन वॉवेल का साउंड आ रहा है, जैसे देखिए यूनियन, है ना,
यूनिवर्सिटी, तो इन जगह पे आप हमेशा ए का प्रयोग करेंगे, एन का यूज नहीं होगा। चलिए तो ये एक स्लाइड था, आज में 5 क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं कि आपने पूरा सॉल्व किया होगा। आपके कितने मार्क्स बने आप इसको कमेंट कीजिएगा, मतलब कितने क्वेश्चन सही है। चलिए अब आते हैं अगले स्लाइड पे। अगले स्लाइड में देखिए स्लाइड नंबर सेकंड है, स्लाइड नंबर सेकंड 6 से 10 तक के क्वेश्चन है, वीडियो को आप पॉज कीजिएगा, इसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, फिर आप वीडियो को प्ले करके देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चंस की बात करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आई एम श्योर दैट अ रेड कार इन द पार्किंग स्लॉट इज योर, ठीक है, आई एम श्योर मैं निश्चित हूँ दैट अ रेड कार, एक लाल कार इन द पार्किंग स्लॉट, जो पार्किंग स्लॉट में खड़ी है, इज योर्स, तुम्हारी है। देखिए यहाँ पे ना ये बोला जा रहा है कि एक लाल कार, देखिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कार तुम्हारी, मतलब उस कार को जानता है, तो यहाँ पे अ रेड कार नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे इसका सही स्वरूप होगा द रेड कार, क्योंकि जब कभी भी ऐसी चीज़ लिखी जाती है जहाँ पे निश्चितता होती है, कोई चीज़ फिक्स होता है, तो वहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, तो इसका सही स्वरूप हो जाएगा आई एम श्योर दैट द रेड कार इन द पार्किंग स्लॉट इज योर्स, यहाँ पे आर्टिकल ए नहीं आएगा, ये गलती था यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट अगले स्लाइड अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, राघव वेंट टू द स्कूल टू मीट हिज ब्रदर, देखिए राघव वेंट टू द स्कूल टू मीट हिज ब्रदर, यहाँ पे क्या लिखे, देखिए आपने देखा होगा जब कभी भी किसी चीज़ को उसके प्राइमरी पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है, प्राइमरी पर्पज़ के लिए, तो वहाँ पे किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, ठीक। जब इसके सेकेंडरी पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है, सेकेंडरी पर्पज़ के लिए जब यूज किया जाता है, तो वहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। देखिए राघव वेंट टू द स्कूल, राघव विद्यालय गया, टू मीट हिज ब्रदर अपने भाई से मिलने के लिए, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि विद्यालय में वो पढ़ने नहीं गया था, अपने भाई से मिलने गया था, सेकेंडरी पर्पज़ से गया था। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ही हैज़ गिवन अ एडवाइस, ठीक है, उसे एक सलाह दिया गया। देखिए यहाँ पे आपने पढ़ा होगा जो एडवाइस होता है, एडवाइस है ना, एडवाइस हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, अप्लाउज हो गया, है ना, इन सब के साथ ना किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है, आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे एडवाइस जो है एडवाइस के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, ही हैज़ गिवन एडवाइस, ये सही होगा, ठीक। यहाँ पे अगर आपको इसको सिंगुलर लिखना है या फिर किसी भी प्रकार से दिखाना है, तो आप लिखेंगे अ पीसेस ऑफ, ठीक है, या अ पीस ऑफ, ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाएगा। यहाँ पे आप इसको बिल्कुल ऐसा नहीं लिखेंगे अ एडवाइस, तो यहाँ पे अ गलत हो जाएगा, ठीक, इसका सही स्वरूप होगा ही हैज़ गिवन एडवाइस। अगला है देखिए, रोनाल्डो इज अ फेमस प्लेयर ऑफ द फुटबॉल, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि रोनाल्डो इज अ फेमस प्लेयर, रोनाल्डो एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है ऑफ द फुटबॉल, यहाँ पे द फुटबॉल नहीं आएगा, ठीक, यहाँ पे खाली फुटबॉल रहेगा, रोनाल्डो फुटबॉल। देखो आपने देखा है कि गेम के साथ कभी भी, आपने पढ़ा होगा है ना, गेम के साथ कभी भी द का यूज नहीं होता है, आपने ग्लास ऑफ डेसिम वाली ट्रिक देखी होगी, है ना, उसमें क्या बोला था कि जब कभी भी गेम की बात होती तो गेम के साथ आप द का यूज नहीं करते, तो रोनाल्डो इज अ फेमस प्लेयर ऑफ फुटबॉल होगा, यहाँ पे द का यूज नहीं होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, द मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ, ठीक है, यहाँ पे देखिए आप आराम से पकड़ लेंगे, द मून, ये मून मतलब चंद्रमा, एक आकाशीय पिंड है, आकाशीय पिंड है, तो इसके साथ द का यूज है, सही है। रिवॉल्व्स मतलब चक्कर लगाती है, अराउंड अर्थ, देखिए अर्थ के पहले पहली बात तो अ नहीं आएगा, ठीक है, अगर मान के चलिए ए और एन की बात करेंगे तो आप एन लगाते, लेकिन आपको पता है कि जो आकाशीय पिंड होते हैं उनके साथ हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है, या फिर जो जितनी यूनिक चीज़ें होती हैं उनके साथ आर्टिकल द का यूज किया जाता है, तो जो अर्थ है ये यूनिक है, तो यहाँ पे द का यूज करेंगे, ठीक। तो इस सेकंड स्लाइड में 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही रहे, चलिए आते हैं अगले स्लाइड पे। क्वेश्चन ये देखिए तीसरा स्लाइड है, वीडियो को आप पॉज कीजिएगा, इसके बाद आप पूरे क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, जो क्वेश्चन आपको आएगा आप देखेगा, और अगर नहीं आता तो फिर आप फिर इसके बाद सॉल्यूशन देखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। यहाँ पे दिया है द पल्स इज द फेवरेट फूड ऑफ योर ब्रदर, देखिए यहाँ पे लिखा है पल्स मतलब दाल, इज फेवरेट फूड, सबसे प्रसिद्ध मतलब पसंदीदा भोजन है ऑफ योर ब्रदर, तुम्हारे भाई का। इसमें कहाँ गलती, देखिए आपने देखा होगा ग्लास ऑफ डीसीएम में बताया गया होगा जो फूड होता है, फूड, फूड के साथ कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, तो यहाँ पे द पल्स नहीं आएगा, डायरेक्टली आप लिखेंगे पल्स इज द फेवरेट फूड ऑफ योर ब्रदर, तो यहाँ पे द का यूज़ नहीं रहेगा, पार्ट वन में मिस्टेक था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, सी इन्जॉयड द डिनर विथ द हर फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे इसमें क्या गलती है, देखिए सी इन्जॉयड, उसने इन्जॉय लिया द डिनर, डिनर का विथ द हर फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जब कभी भी हिज हर माई योर्स ये सब वर्ड्स आते हैं तो यहाँ पे कभी भी आर्टिकल द का यूज़ नहीं होता है, किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है ना। ये अगर आपने रूल्स की क्लास देखी होगी क्लास नंबर 1 और 2 तो आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से ग्रैब कर पा रहे होंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा सी इन्जॉयड द डिनर विद हर फ्रेंड्स, ये इसका सही स्वरूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए द पार्लियामेंट हैज़ पास्ड द बिल, ठीक, यहाँ पे देखिए आपने
पढ़ा होगा एक्सेप्शन में। देखिए एक्सेप्शन में क्यों, क्योंकि जब भी आपने देखा था किसी बिल्डिंग या फोर्ट्स की बात की जाती थी तो उसके पहले द का यूज़ होता है, लेकिन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट एक एक्सेप्शन होता है, पार्लियामेंट के साथ आर्टिकल द का यूज़ नहीं होता है, या आप ये समझिए कि पार्लियामेंट के साथ किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे द गलत हो जाएगा, इसका सही स्वरूप हो जाएगा पार्लियामेंट हैज़ पास्ड द बिल। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, योर ब्रदर has been promoted to the rank of the SP, ठीक है, your brother तुम्हारा भाई has been promoted, promote कर दिया गया to the rank of the SP, ठीक। देखिए यहाँ पे SP लिखा है, S है ना, अगर आप देखेंगे तो ये S है ना, ऐसे पढ़ेंगे है ना, तो यहाँ पे NSP आएगा, ठीक है, ASP नहीं हो, मतलब द SP नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे SP आएगा डायरेक्टली, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, द रॉबर्स वर कॉच जस्ट बिफोर दे वर अबाउट टू escape द जेल। देखिए रॉबर्स मतलब जो लुटेरे हैं, वर कॉच पकड़ लिए गए जस्ट बिफोर, ठीक पहले, दे वर अबाउट टू escape द जेल, जब वो जेल से भागने वाले थे। देखिए यहाँ पे जेल में उन्हें बंद किया गया, तो जेल के साथ आप द का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे ये द गलत हो जाएगा, बाकी ये सही स्वरूप है। चलिए तो ये 15 क्वेश्चन हो गए। चलिए हम लोग आते हैं अगले स्लाइड पे। तो अगले स्लाइड पे देखिए, यहाँ पे 5 क्वेश्चन और है। इस स्लाइड पे जो जो क्वेश्चन है आप देखिएगा आराम से, और वीडियो को पॉज करिए पहले, क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, देखिए आपको कितना आता है। देखिए, राधा कैन स्पीक द हिंदी, संस्कृत एंड द बंगाली फ्लुएंटली। राधा संस्कृत, हिंदी और बंगाली एकदम फ्लुएंट बोल सकती है, अच्छे से बोल सकती है। देखिए जब कभी भी लैंग्वेज की बात की जाती है, लैंग्वेज, लैंग्वेज के साथ कभी भी हम द का यूज़ नहीं करते, तो लैंग्वेज के साथ द का यूज़ नहीं किया जाता है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, द गलत हो जाएगा। आप लिखेंगे राधा कैन स्पीक हिंदी संस्कृत एंड बंगाली फ्लुएंटली, इसका सही स्वरूप होगा। अगला क्वेश्चन है, सी सेड टू हिज फादर ही विल कम इन द अगस्त, ठीक। देखिए यहाँ पे द नहीं आएगा, क्योंकि जो ग्लास ऑफ DCM है ना, ग्लास ऑफ DCM, ये लगभग ना आर्टिकल के काफ़ी ज़्यादा रूल्स को कवर कर लेता है। ग्लास ऑफ DCM क्या कहता है, देखिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। जी फॉर गेम, एल फॉर लैंग्वेज, ए फॉर यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन, एस फॉर सब्जेक्ट, एस फॉर सीजन, ओ से अदर वर्ड, एफ फॉर फूड या फेस्टिवल, डी से डेज, सी फॉर कलर और एम फॉर मंथ्स, है ना। इन सब के साथ कभी भी किसी प्रकार के आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। तो ही सेड टू हिज फादर, उसने अपने पिताजी से कहा, ही विल कम इन अगस्त, तो यहाँ पे द नहीं आएगा, यहाँ पे इन अगस्त बिल्कुल सही स्वरूप होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरीश इज अ बेस्ट स्टूडेंट इन अवर क्लास एट प्रेजेंट, है ना। अभी वर्तमान में हमारे क्लास में सबसे अच्छा स्टूडेंट जो है हरीश है। देखिए बेस्ट यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके पहले आर्टिकल क्या आएगा, द आएगा, तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, ए को रिप्लेस करना है आपको द के साथ, ये इसका सही स्वरूप होगा। अगला है, एट द बर्थडे राम प्रेजेंटेड अ एक्सपेंसिव गिफ्ट टू हिज ब्रदर, है ना। बर्थडे के दिन राम ने अपने भाई को एक महंगा उपहार दिया, है ना। देखिए एक्सपेंसिव, यहाँ पे अएक्सपेंसिव नहीं आएगा, एन एक्सपेंसिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये वॉवेल साउंड दे रहा है और वॉवेल से स्टार्ट भी है, तो यहाँ पे ए को रिप्लेस करना है आपको एन के साथ, ये इसका त्रुटि है। अगला क्वेश्चन है, आई सा एन वन आइड मैन हु वाज सिंगिंग बिसाइड द रोड, मैंने एक आंख के एक आदमी को देखा जो रोड के किनारे गाना गा रहा था। देखिए जब कभी भी लिखा जाता है वन आइड मैन, है ना, वन रुपी नोट, है ना, तो वहाँ पे हमेशा आर्टिकल ए का यूज होता है, तो अ वन आइड मैन, ये इसका बिल्कुल सही स्वरूप होगा। यहाँ पे एन का यूज नहीं होगा, एन को आपको रिप्लेस करना है ए के साथ, ये इसका सही स्वरूप होगा। तो ये 20 क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, है ना। अगला देखिए, अगले स्लाइड पे यहाँ पे फिर से 5 क्वेश्चन दिए, है ना। 5 क्वेश्चन क्या क्या है इसको देखते, देखिए, नेहा वॉज रीडिंग विद सच कॉन्सेंट्रेशन दैट सी डिड नॉट हियर द डोरबेल, ठीक है। नेहा इतने कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ रही थी कि उसे डोरबेल भी सुनाई नहीं दिया। तो देखिए जब कभी भी सच आता है, सच है ना, सच के साथ हमेशा अ लगाया जाता है, तो सच अ कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पे आपको अ जोड़ना है, सच अ कॉन्सेंट्रेशन दैट सी डिड नॉट हियर द डोरबेल, ये इसका सही स्वरूप हो जाएगा। यहाँ पे ए आपको ऐड करना है। आगे व्हाट सॉर्ट ऑफ द पीपल आर दे हु ऑलवेज फाइट फॉर वर्कलेस मैटर, ठीक है। व्हाट सॉर्ट ऑफ द पीपल, वे किस प्रकार के लोग हैं, ठीक है। दे मतलब ये, हु ऑलवेज फाइट्स फॉर द वर्कलेस मैटर, जो बिना किसी काम के चीज़ों पर लड़ते हैं। देखिए आपने पढ़ा होगा सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वेराइटी ऑफ, काइंड ऑफ, जितने भी ऑफ एंडिंग फ्रेज होते हैं इनके बाद कभी भी आर्टिकल द का यूज़ नहीं किया जाता है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल आर दे, मतलब यहाँ पे ना द का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि सॉर्ट ऑफ के बाद आप द का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक। देखिए आपने पीछे पढ़ा होगा सॉर्ट ऑफ, है ना, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, मतलब जो भी लास्ट में ऑफ आता है, ऑफ के बाद आप कभी भी द का यूज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ पे द को हटा देंगे, इसका सही स्वरूप हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, अनन्या टोल्ड द टीचर दैट सी डिड नॉट मेक द नॉइज. ठीक है, देखिए अनन्या टोल्ड द टीचर, अनन्या ने टीचर को बताया, दैट मतलब कि सी डिड नॉट मेक अ नॉइज. यहाँ पे अनवाइज होगा, द नॉइज जैसा नहीं होता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये द को रिप्लेस करना है अ के साथ, तो ये इसका सही स्वरूप होगा, यहाँ पे द गलत है. चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा है, सी डज नॉट यूजुअली वोर ज्वेलरी बट एस्टरडे सी वोर रिंग. देखिए सी डज नॉट, सी मतलब वह, डज नॉट हेल्पिंग वर्ब है, यूजुअली मतलब सामान्यतः, वोर ज्वेलरी मतलब जो गहने नहीं पहनती, बट एस्टरडे लेकिन कल, सी वोर यहाँ पे रिंग. देखिए यहाँ पे रिंग आपका एक नाउन है, तो नाउन के साथ कोई आर्टिकल आया गया आएगा, है ना, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सी वोर अ रिंग, ये इसका बिल्कुल सही स्वरूप होगा. तो यहाँ पे आपको अ लगाना पड़ेगा, अ लगाती है सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा. चलिए अंतिम क्वेश्चन पर आते हैं, इस स्लाइड का अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट नाइट मैच, पिछली रात का जो मैच था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच, वॉज अ थ्रिलिंग मैच, है ना, एक थ्रिलिंग मैच था. देखिए सॉरी फ्रेंड्स, जब कभी भी ये लास्ट नाइट मैच की बात है, मतलब यहाँ पे डेटा फिक्स है, आप उस मैच के बारे में जानते हैं, जब आप उसके बारे में जानते हैं, कोई चीज़ फिक्स है, पता है, डेफिनेट है, तो वहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ होता है, आर्टिकल ए का यूज़ नहीं होता है. तो आप लिखेंगे लास्ट नाइट मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज द थ्रिलिंग मैच, तो यहाँ पे इसका सही स्वरूप ये हो जाएगा. चलिए आते हैं अपने अगले स्लाइड पे, अगले स्लाइड पे क्या है, देखिए ये अगला स्लाइड है, देखिए इसमें यहाँ पे दिया द न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना. देखिए न्यू दिल्ली आपने देखा होगा कभी भी किसी स्टेट कैप, स्टेट हो गया, देश हो गया, है ना, या फिर कोई भी प्लेस हो गया, उसके नाम के साथ द का यूज़ नहीं करते, तो द न्यू दिल्ली नहीं, यहाँ पे न्यू दिल्ली होगा सीधा सीधा, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये इसका बिल्कुल सही स्वरूप है, यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ गलत हुआ है. अगला क्वेश्चन है द रोज इज अ स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर. देखिए यहाँ पे स्वीटेस्ट, अब ध्यान से देखिएगा, स्वीटेस्ट है ना, ये क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, है ना, सुपरलेटिव, और सुपरलेटिव के साथ हमेशा किसका यूज होता है, सुपरलेटिव के साथ हमेशा आर्टिकल द का यूज होगा, तो यहाँ पे अ नहीं आएगा, अ को रिप्लेस करना पड़ेगा द के साथ, इसका आंसर हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू टेक द आइस इन द मिल्क सेक, है ना. देखिए आप ये आइस, आइस की बात करेंगे तो आइस के साथ यहाँ पे द का यूज़ नहीं होगा, आप लिखेंगे, देखिए आइस के साथ ना आर्टिकल का यूज़ होगा ही नहीं. ठीक, आपने पढ़ा होगा आइस, एडवाइस, वर्क, ठीक है, इन्फॉर्मेशन, इन सब के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है. अगर अभी जैसे मान के चलिए आपको नहीं आता है, तो जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाएंगे तो वहाँ पर भी आपको और चीज़ें सिखाई जाएंगी, क्योंकि ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. देखिए अगला है, गंगा इज कंसिडर्ड टू बी अ सैक्रेड रिवर. ठीक है, गंगा इज कंसिडर्ड, देखिए यहाँ पे गंगा की बात करेंगे, गंगा आपका यूनिक चीज़ है, और आपने देखा है कि जितनी भी यूनिक चीज़ें होती हैं उनके पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, तो आप सिर्फ गंगा नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे द गंगा, तो यहाँ पे इसमें आपको द ऐड करना पड़ेगा, द जैसे ही ऐड करेंगे इसका सही स्वरूप बन जाएगा. चलिए आते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन पे, है ना, आज की क्लास का जो अंतिम क्वेश्चन है, द लोकल काउंसिल लीडर कॉन्ग्रेचुलेटेड द प्लेयर्स हु वॉन द मैच. देखिए द लोकल काउंसिल लीडर, है ना, लोकल काउंसिल लीडर जो है उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया प्लेयर्स, उन खिलाड़ियों को हु वॉन द मैच, जिन्होंने मैच को जीता था. ठीक है देखिए अभी सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे द मैच, है ना, यहाँ पे द मैच का कोई सेंस नहीं है ना, तो सीधा सीधा हो जाएगा द लोकल कांग्रेस लोकल काउंसिल लीडर कॉन्ग्रेचुलेटेड प्लेयर्स हु वॉन मैच, जिन्होंने मैच जीता था, इसका बिल्कुल सही स्वरूप हो जाएगा. तो ये हम लोगों के 30 क्वेश्चन थे आज की क्लास के, आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही बने आप इसको कमेंट कीजिएगा, है ना, और साथ में अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो आप उसको भी कमेंट कीजिएगा. इस प्रकार के वीडियो को लगातार पाए रहने के लिए, है ना, और नई नई चीज़ें सीखने के लिए हमारे चैनल सी सेट प्रिपरेशन को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना होने पाए. चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अब नए टॉपिक के साथ. देखिए आज की इस क्लास में हम लोगों ने आर्टिकल को पूरा डन कर लिया, आर्टिकल का क्लास एक, क्लास दो, ये दो क्लास में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा था, और आज क्लास तीन में हम लोगों ने इसके 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए. ठीक, अब बीच में कभी इसके फिर से क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, लेकिन अब अगला टॉपिक हम लोगों का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट होगा, जिसको कि हम लोग अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे. तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट, नए लॉजिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू.